अगर आपका भी चेहरा गोरी क्रीम से बहुत ज़्यादा लाल हो रहा है, मतलब कि आपके स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा रेडनेस हो रही है और आपने बहुत सारी क्रीम ट्राई की है ना, तब भी आपके स्किन के ऊपर रेडनेस की प्रॉब्लम हो ही रही है, तो गाइस देखो रेडनेस होने का ना बहुत सारे रीज़न होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यही लगता है कि जो डुप्लीकेट गोरी क्रीम रहती है ना उससे स्किन के ऊपर रेडनेस होती है, तो ऐसा नहीं होता है। देखो जिनकी स्किन ज़्यादातर पतली होती है ना, मतलब कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी होती है, उनकी स्किन पतली हो जाती है स्टेरॉयड क्रीम इस्तेमाल करके, उनके स्किन के ऊपर है ना ज़्यादातर रेडनेस देखने को मिलती है। और आप बहुत सारे स्किन वाइटिंग क्रीम ट्राई कर रहे थे लेकिन थोड़ी बहुत तो किसी ना किसी को रेडनेस होती है, वो नॉर्मल है, रेडनेस कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप किसी भी क्रीम को स्टॉप करते हुए अगर आप धूप में जाते हो तो आपकी स्किन थोड़ी लाल होती है, अगर आप छाव में जाते हो तो आपकी स्किन नॉर्मल हो जाती है, ठीक है, तो रेडनेस जो है ना कम ज़्यादा होती रहती है। बट अगर आप अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग किसी भी क्रीम को इस्तेमाल करते हो तो आपको रेडनेस नहीं होगी, इस बात की गारंटी मेरी है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेके प्लीज़ एंड तक देखें। गाइस गोरी क्रीम को है ना आपको अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करना है, अगर आपकी स्किन ऑयल है, सेंसिविटी, आपकी स्किन ड्राई और नॉर्मल है तो आप गोरी क्रीम को है ना अलग अलग टाइप से इस्तेमाल कीजिए। अगर आपके चेहरे के ऊपर बहुत ज़्यादा पसीना आता है तो आप गोरी डे नाइट क्रीम को इस्तेमाल कीजिए, अगर आपकी स्किन ड्राई और नॉर्मल है तो आप गोरी ब्यूटी क्रीम को इस्तेमाल कीजिए, आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इस क्रीम को ना मार्केट से लेते हैं, अमेजोन से लेते हैं, मीशो से लेते हैं, उनको कम रेट में ना ये क्रीम मिल जाती है लेकिन उनकी स्किन के ऊपर बाद में बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर ये जो है क्रीम ना मार्केट में और लोकल शॉप में डुप्लीकेट मिलती है जो कि आपके चेहरे के लिए सेफ नहीं होती है। इसलिए अगर आप ओरिजिनल क्रीम को खरीदना चाहते हो तो मैंने स्क्रीन के ऊपर कंपनी के ऑफिस सेलर का नंबर दे रखा है, वहाँ से ना आप इस क्रीम को बाय कीजिए, आपको ओरिजिनल ही क्रीम मिलेगी और इसकी जो डिलीवरी ना ऑल इंडिया में अवेलेबल है, मतलब कि आप इंडिया से कैसे भी हो ना तो भी आप इस क्रीम को ऑर्डर कर सकते हो। और गाइस गोरी जो क्रीम होती है ना इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है स्किन के ऊपर, अगर आप इसको कंटिन्यूस में लेते हो तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अगर आप भी इसको यूज़ में लेना चाहते हो ना अपने चेहरे को गोरा करने के लिए तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, मैंने आपको तरीका बता रखा है, अगर आप इसको सही तरीके से इस्तेमाल करते हो तो आपके स्किन के ऊपर किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। और आपके उनमें जो भी डाउट है, जो भी क्वेश्चन इस क्रीम के बारे में नीचे कमेंट कर देना। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूले और चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप इन, ओके बाय।